रेशम का कीड़ा यदि रेशम का धागा ना देता होता तो उसकी दुर्गति ना होती, उबाल आ जाता है उसको कड़ा हमें डाल करके, क्योंकि रेशम का ऐसा धागा प्रकट करता है जो लोगों को बहुत प्रिय है। अब उसको कैसे निकाले तो उसको उबाला जाता है, कीड़ा जल करके मर करके नष्ट हो जाता है, रेशम निकल आता है। कोई भी सद्गुण जो आपके अंदर है उसे केवल भगवत प्रीता के कार्य में लाओ। हमारा अंतःकरण प्रभु के प्रेम में डूबे इसलिए वो सद्गुण मिला हुआ है। यदि बाहर नाम के लिए, यश के लिए, प्रशंसा के लिए, प्रणाम नमस्कार के लिए प्रयोग किया तो दुर्गति हो जाएगी, फंस जाओगे। ये बहुत सूक्ष्म विषय है। ये जन्म प्रवचन करने के लिए नहीं है, ये जन्म सम्मान प्राप्ति के लिए नहीं है, ये जन्म अपने आप को मिटा के प्रियालाल में तन्मय होने के लिए है, केवल तन्मय। क्या करोगे, कितना प्रवचन करोगे, बहुत हो रहा है, कितना प्रवचन हो रहा है, प्रवचन ही तो हो रहा है,